इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ मालूम करनी हो, यानी अगर हमें ये मालूम करना हो कि किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, तो वो कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लीजिए, विजुअल बेसिक और विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन सेलेक्ट है, एप्लीकेशन का नाम रख देते हैं स्ट्रिंग लेंथ। ये हम फॉर्म कंट्रोल पर आ गए। टूल बॉक्स में से सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और एक बटन कंट्रोल लेते हैं। बटन का कैप्शन चेंज कर देते हैं, शो लेंथ, बटन पर डबल क्लिक करें। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम टाइप करेंगे सिस्टम उसकी हमें लेंथ बताएगा। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल dim str output as string, और इस वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू str output इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें, इस प्रॉपर्टीज़ में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स 1 ये इसका नाम है। str output इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ एक मैसेज बॉक्स लेते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाएगी। यहाँ हम इस वेरिएबल के बाद एक डॉट लगाइए और यहाँ से लेंथ, जो लिस्ट सामने आ रही है यहाँ से आप लेंथ सेलेक्ट कर लें। माउस से ले सकते हैं आप, टैब का बटन प्रेस कर सकते हैं, स्पेस का बटन प्रेस कर सकते हैं। ये लिखा आ गया हमारे पास लेंथ। एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में आपने टाइप किया फ्रेंड, कितनी लेंथ होनी चाहिए, 6 कैरेक्टर। क्लिक करें, मैसेज बॉक्स आ गया 6। एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं, यहाँ कुछ और हम टाइप करते हैं, कंट्री। क्लिक किया, यहाँ आ रहा है 7। अब यहाँ अगर लिखा है 7 कैरेक्टर्स, 9 कैरेक्टर्स, 12 कैरेक्टर्स, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ऐसा कर लेते हैं, एक लेंथ कैरेक्टर्स का वर्ड हम आगे ज्वाइन कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो लेंथ की जो प्रॉपर्टी है इस वेरिएबल की, ये हमें इंटीजर यानी न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रही है। इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। इसके आगे डॉट लगाइए और ये टू स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लीजिए। ये क्या करेगा, ये इस लेंथ की जो प्रॉपर्टी है जो कि न्यूमेरिक डाटा टाइप रिटर्न कर रही है, ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। स्पेस देके एम्परसेंट का साइन डालेंगे, कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर, और हम इसको डबल कोटेशन में यहाँ लिख देंगे एक स्पेस देकर कैरेक्टर्स। दोबारा रन करते हैं एप्लीकेशन। अब हमने यहाँ लिखा फ्रेंड 6 कैरेक्टर्स। कंट्री 7 कैरेक्टर्स। तो आपने सीखा कि किस तरह से हमने स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ मालूम की, और ये भी सीखा कि किस तरह से न्यूमेरिक डाटा टाइप को हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट किया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके फ़ायदे हैं। शुक्रिया।